खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे खिलाड़ियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। कल पहली तारीख है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस को पूरे जनपद में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में वृक्षारोपण करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आदरणीय अखिलेश जी का जन्मदिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और कल हमने रामपथ का निरीक्षण किया, कल हमने श्री राम अस्पताल का निरीक्षण किया, कल हमने अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया, कल हमने रेलवे स्टेशन से जो तमाम तीर्थ यात्री और प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने वाले के आते हैं, उस रास्ते का भी निरीक्षण किया। और बगल में एक स्थान है जलवानपुरा, उसको देखा, बहुत ही तकलीफ हुई। लोगों का जीवन नरकीय हो रहा है और जबकि भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी, हमने अयोध्या में ये किया वो किया, विकास किया इस पर, और उस दीवाल को भी देखा जिसको, जिसके भवन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, वो भी गिरी है और जल भराव है, 400-500 घर फंसे हैं, महामारी फैलने की आशंका है, पता नहीं कहां का विकास किया गया। हमने बात किया तो कुछ अधिकारी हमें बताए अयोध्या विकास प्राधिकरण को 35 करोड़ रुपए आवंटित है और 85% काम हो गया है। तो हमने कहा ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, चलो हमें दिखाओ। तो आज हम जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी चीफ इंडिया स्तर के भी जाएंगे, देखेंगे। ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है, इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इसको लोकसभा में ही उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। आप पूछिए, जो कंपनी ने सड़क का निर्माण किया है उसको क्या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए? ऐसा है, जब लोग सभा का सत्र चल रहा था, तरह तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही थी कि रामपथ में गड्ढा हो रहा है, लोगों को दुश्वारियां भर रही हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है, और यहां तक बताया कि रेलवे स्टेशन का छात दिवाली गिर गई है, यहां तक लोगों ने बताया कि मंदिर की छत चू रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा भाई ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का मामला है, एयर से के आधार पर मैं कोई बात नहीं कह सकता। मैं मौके पर जाऊंगा, देखूंगा, तब बात करूंगा। कल मौके भग गए, हमने देखा कई जगह पर गड्ढा होने का, सड़क बैठने का, लोगों ने मुझे बताया। हमने कहा भाई गड्ढा कहाँ है? कहा देखिए आपका जब ये आया कि आप जो है आ रहे हैं और निरीक्षण करेंगे
तो रात 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 भय दो दिन रात से गड्ढा भरा गया और देखिए ताजा ताजा एस्फाल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। हमने अपनी सामग्री कहा भाई ताजा गड्ढा ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है, एस्फाल्ट ताजा है। पांच छह जगह इस तरह की देखा। श्रीराम अस्पताल के पास गए तो वहां तो ऐसी हालत खराब है कि लगता है देश की सारी गंदगी वहीं आ गई। और आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या जंक्शन रेलवे है, वहां से उतर कर जो यात्री आते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन करने, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। आगे बढ़ते हैं जलवानपुरा पानी है, लोग आपने देखा है ये सड़क को आपने देखा वहाँ गड्ढे भी देखे हैं, जिस फर्म ने निर्माण कराया है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है ये जांच का विषय है, ये मामूली मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। राम के नाम पर सड़क बनी है और इसकी समीक्षा हर 15 दिन 8 दिन होती रही है, तो ये बड़ा मामला है। हम मांग करेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और उच्च स्तरीय जांच करके कौन जिम्मेदार है, कंस्ट्रक्शन यूनिट जिम्मेदार है, कौन इंजीनियर है, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, जो दोषी होंगे उनको कानून दंडित करेगा। इस मामले को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। बनाने वाली फर्म अगर दोषी पाई गई तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, वही उसे अगर बगर डगर, देयर इज नो प्लेस फॉर अगर का। मैंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं कल करूंगा, लोकसभा में बात रखूंगा और उच्च स्तरीय जांच की कमेटी के द्वारा जांच हो, तो जो जांच में जो भी आएगा कौन दोषी है किसके खिलाफ कार्रवाई है जांच रिपोर्ट के आधार पर तय हो जाएगा। अगर रिपोर्ट चलिए बताइए अखिलेश तो क्या समझ, ऐसा है बबलू सिंह को कल माननीय अखिलेश जी से हमने मुलाकात कराया है, लेकिन वो मुलाकात थी शिष्टाचार भेद थी, पार्टी में ज्वाइन कराने या पार्टी में शामिल कराने की कोई ऐसी बात नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर पद के लिए आपको जो है अखिलेश जी ने आने दिया है, क्या कहेंगे? आने दीजिए, आपको बधाई देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी सूचना आप दे रहे हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले लड्डू आप ही खिलाएंगे, हम लोग भी सूचना नहीं है, जिलाध्यक्ष ने हम लोग को बधाई दे दी कि भाई अयोध्या निर्माण गया है, जिलाध्यक्ष जी ने आपको बधाई दे दी है क्या? जिलाध्यक्ष जी ने बधाई दी है, नहीं नहीं हमने प्रेस की सूचना बताई, प्रेस में खबर आई है, जिलाध्यक्ष जी बड़ा अच्छी है, ऐसा है। अच्छा जो भी हम होंगे रहेंगे तो आप एक भैया, सही है, जिले का गरिमा बढ़ेगी, हाथी घूमे गांव गांव जगह हाथी वह ना, अरे नौना तो तोहरे सबका हो। ठीक है, जीतेंगे, बड़े वोटों जीतेंगे, एक इतिहास कायम होगा, जैसे इतिहास कायम हुआ दुनिया में चर्चा हो रही है वैसे पूरे प्रदेश और देश में चर्चा होगी। नोबडी कैन फेस, थैंक यू, नोबडी कैन फेस, चले, धन्यवाद।